अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसानी दिमाग पूरे जिस्म में सबसे हैरतअंगेज, नाजुक और सबसे ताकतवर ऑर्गन है। इंसानी जिस्म में इसकी अहमियत की वजह से गुज़श्ता 25 बरस में इंसानी दिमाग पर बहुत ज़्यादा तहकीकात की गई हैं। इन तहकीकात से पता चलता है कि इंसानी दिमाग को जितना ज़्यादा ताकतवर और काबिल कदर अल्लाह ताला ने बनाया है, हम इससे कहीं कम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई काम ऐसे कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारी दिमागी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 9 तरीके बता रहे हैं जिन्हें छोड़कर आप अपनी ब्रेन पावर यानी दिमाग की क़ुव्वत और सलाहियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। नंबर 1, नींद की कमी। बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के बाद ये साबित किया है कि नींद की कमी से याददाश्त कमज़ोर होती है और ये कमी आगे चलकर अल्जाइमर का बाइस बनती है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन सेल्स ऐसे जहरीले मुरक्बात खारिज करते हैं जो दिमाग के लिए ख़तरनाक होते हैं। जो लोग अक्सर नींद पूरी नहीं लेते, ये जहरीले मुरक्बात उनके दिमाग में जमा होते रहते हैं और दिमाग की कारकर्दगी पर ख़तरनाक असरात मुरतब करते हैं। इसलिए नींद की कमी से बचिए। नंबर 2, तवील स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी तवील अरसे तक अगर जहनी दबाव रहे तो सीखने की सलाहियत कम हो जाती है और साथ ही सेल्फ कंट्रोल और याददाश्त में भी कमी होती है। नींद की कमी का शिकार अफराद जल्द गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और अक्सर टेंशन में रहते हैं। ये लोग अक्सर कामों पर ज़्यादा देर तवज्जो भी नहीं दे पाते। नंबर 3, नफ़रत और हसद। बरतानवी साइंसदानों ने यह दरियाफ्त किया है कि नफ़रत और मोहब्बत अगरचा मुतजाद जज्बात हैं, लेकिन ये दिमाग के एक ही हिस्से में पैदा होते हैं। इसके बावजूद जिस हिस्से में जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग वगैरह पैदा होते हैं, मोहब्बत का एहसास उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जबकि गुस्सा जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग वाले अनासिर को तहरीक देता है। जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग दो ऐसे अवामिल हैं जो इंसानी ताल्लुकात को सिर्फ ख़राब ही नहीं बर्बाद कर डालते हैं। अब ये बात तो अक्सर व्यूज़ अच्छी तरह समझते ही होंगे, मुझे भला मजीद वजाहत की क्या ज़रूरत है, ऐसा ही है ना। नंबर 4, डिहाइड्रेशन। इंसानी दिमाग पानी की कमी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हमारे दिमाग का 80% पानी पर मुश्तमिल है, इसलिए दिमाग में पानी की सिर्फ 2% कमी से भी तवज्जो और हाजिर दिमागी की सलाहियतें मुतासिर होती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पानी की कमी से याददाश्त और सीखने की सलाहियत पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 5, हमल। साइंसदानों ने यह साबित किया है कि दौरान हमल दिमाग के एक अहम हिस्से ग्रे मैटर में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से सोशल स्किल्स मुतासिर होती हैं और यूं हमला के लिए दूसरों को समझना और उनसे ताल्लुकात उस्तवार रखना मुश्किल तर हो जाता है। ताहम इसका फ़ायदा ये होता है कि हमला के लिए अपने ज़ेर नमू बच्चे से ताल्लुक़ मजबूत करना और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना आसान होता है। यूं होने वाली माँ अपने नए बच्चे को मुमकिन ख़तरात से ज़्यादा बचाने के काबिल होती है। नंबर 6, मिठास की कसरत। खानों में मिठास की कसरत, खासकर सफ़ेद शकर की कसरत से याददाश्त समेत सीखने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि शकर ज़्यादा लेने से दिमाग की रफ्तार सुस्त होती है और यूं सीखने, मालूमात महफूज करने और फोकस करने की सलाहियत घट जाती है। साइंसदान कहते हैं कि शकर के इस्तेमाल से दिमाग में न्यूरो कनेक्शंस तबाह हो जाते हैं। हाँ, कुदरती मिठास में ये नुकसान नहीं होते, लेकिन सोडा ड्रिंक्स, कैंडीज़, फ्रोजन डिज़र्ट्स, आइसक्रीम, सॉसेस और बेबी फूड्स में मौजूद इंडस्ट्रियल शुगर दिमाग के लिए बहुत ख़तरनाक है। अलबत्ता ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल गिज़ाएँ, मसलन मछली, नट्स और मछली का तेल, इस ख़तरे को कम करते हैं। नंबर 7, ख़राब घरेलू ताल्लुकात। अच्छे घरेलू ताल्लुकात के इंसानी दिमाग पर गहरे मुस्बत असरात होते हैं। तहकीकात के मुताबिक मियाँ बीवी में आपस की मोहब्बत और रूमानी ताल्लुक दिमाग के ऐसे हिस्से को तहरीक देता है कि जिससे मियाँ बीवी में मज़ीद मोहब्बत परवान चढ़ती है। साथ ही खौफ और डिप्रेशन के एहसास कम हो जाते हैं और राहत और सुकून का एहसास भी बढ़ता है। नंबर 8, तख्लीकी काम, खासकर पेंटिंग से दिमाग की कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और उम्र बढ़ने का अमल सुस्त पड़ जाता है। साइंसदानों ने 62 बरस से 70 बरस के लोगों पर स्टडी की। इनमें से निस्फ को आर्ट हिस्ट्री के कोर्स में दाखिला दिया गया, जबकि निस्फ आखिर को पेंटिंग सिखाई गई। जिन लोगों ने पेंटिंग की क्लासें ली थीं, उनकी ज़िंदगी पर गहरे मुस्बत असरात देखने को मिले।
इसलिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर कीजिए, और कुछ ना हो सके तो ब्रश और कलर लेकर किसी कागज पर मीनाकारी ही शुरू कर दीजिए। नंबर 9, किताब से दूरी। ऑक्सफोर्ड के साइंसदानों ने यह साबित किया है कि किताब पढ़ने का अमल दिमाग की कॉग्निटिव महारत को बढ़ाता है। किताब का मुताला दिमाग के ऐसे हिस्सों को भी मुतहर्रिक करता है जो दीगर कामों के दौरान मददगार होते हैं। दौरान मुताला खून दिमाग के इन हिस्सों में ज्यादा जाता है जो तवज्जो और सोच विचार के जिम्मेदार होते हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं कि टीवी देखने या कंप्यूटर गेम खेलने के दौरान भी अगरचे हमारा दिमाग मसरूफ रहता है, लेकिन इस दौरान दिमाग को वो फायदा नहीं होता जो किताब के मुताले के दौरान उसे हासिल होता है। तो फिर इंतजार किस बात का, आज से किताब के मुताले को अपनी जिंदगी के लाजमी कामों में शामिल कर लीजिए। जी जनाब, हमने आपको ऊपर जो 9 काम बताए हैं उन्हें छोड़कर आप अपनी ब्रेन पावर यानी दिमाग की कुव्वत और सलाहियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। हाँ, बाकायदगी से अमल शर्ते लाजिम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के जरिए से मिलती रहे मोटिवेशन बाकायदा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।